हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन भर भर के आप लोगों की तरफ से पूछे जा रहे हैं और उसका रीज़न क्या है। रिसेंट अभी एक रिक्रूटमेंट हम लोगों का ओपन हुआ था आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की तरफ से। यदि आप लोगों को नहीं पता है आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड क्या है, तो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा। डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट में तब्दील किया है, तो 7 पब्लिक सेक्टर यूनिट में से एक आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड भी है, जो कि इसकी एक इकाई है, एक तरीके से कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद में हम लोग बोल सकते हैं, जिसके अंतर्गत हैवी व्हीकल फैक्ट्री अबाड़ी वगैरह आती है। तो यहाँ पे ये रिक्रूटमेंट तो हालांकि क्लोज हो चुका है, लेकिन यहाँ से काफ़ी सारे सवाल मेरे लिए छोड़ के गया है ये रिक्रूटमेंट। बिकॉज रीज़न क्या है, ये जो रिक्रूटमेंट निकाला था ये नवंबर में लगभग रिक्रूटमेंट निकला था, 17 दिसंबर इसकी लास्ट डेट थी। यहाँ पर ग्रुप सी की कोई भी पोस्ट नहीं थी, यानी कि ITI स्टूडेंट्स के लिए कोई भी पोस्ट नहीं निकाली गई थी। कंसल्टेंट या मैनेजर, काफी सारी ग्रुप ए की पोस्ट और ग्रुप बी की पोस्ट यहां पे निकाली गई थी, और यहां पे ये जो पोस्ट थी वह फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थी। यहां से सवाल काफी ज्यादा पूछा जा रहा है, क्या सर जो अभी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय की जो पोस्ट आएगी ग्रुप सी के अंतर्गत जो पोस्ट आएगी, चाहे वह ट्रेडमैन की पोस्ट हो जो पहले सेमी स्किल्ड की पोस्ट हुआ करती थी, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आएगी? यदि वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा तो कितना होगा? तो उस चीज को थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे। और मैं यहां पर ऑफिशियल लेटर आप लोगों को शो करूंगा, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जो हमारा आयुध निदेशालय, जो न्यू वेबसाइट अभी इसकी है, उस पर इन्होंने क्या चीज अपडेट करी है उसको भी हम लोग देख रहे होंगे। लेकिन उससे पहले यदि मैं इस रिक्रूटमेंट की बात करूं, ये ओल्ड रिक्रूटमेंट है। काफी सारा आप लोगों को, काफी लोग नया रिक्रूटमेंट दिखा के बनाने की कोशिश करेंगे, तो इस चीज से आप निश्चिंत रहिएगा। और यहां पर कोई भी ITI स्टूडेंट्स की पोस्ट नहीं है, कंसल्टेंट की पोस्ट थी, हालांकि क्लोज हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं। मैनेजर की यहां पर पोस्ट थी, मैनेजर तो इसी प्रकार की यहां पर पोस्ट थी, एग्जीक्यूटिव की भी यहां पर पोस्ट थी, लेकिन वहां पर आप लोगों की एक आधी पोस्ट जो है निकाली गई थी, जो डिप्लोमा वालों के लिए या जो है इंजीनियरिंग वालों के लिए थी। अब थोड़ा सा यहां पर आते हैं, चीजों को समझते हैं। यदि आप लोग वेबसाइट पर आओगे, यहां पर RTI पर जब आते हो, रिक्रूटमेंट रूल एंड पॉलिसी पर आप क्लिक करोगे, यहां पर सभी का आप लोगों को मिल जाता है, एंड यहां पर मिलेगा इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स यहां पर ITI डिप्लोमा, जो कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय के अंतर्गत आते हैं, वो जुड़े हुए हैं, तो हम उसके ऊपर यहां पर बात करेंगे। तो जितने भी लेटर जो है निकले हुए हैं उनका यहां पर सीरियल दिया हुआ है, जैसे कि पहले जो रूल रेगुलेशन बनाता हुआ 1994 में बना था, जिसमें एक्स अप्रेंटिस वालों को जो है भर्ती कर लिया करते थे, उसके बाद हमारा रूल बना, तो इस प्रकार यहां पर 97 में सुधार हुआ, 99 में, 2011 में, 11 में, 12 में। तो ये 12 में वो टाइम था जब जो है एक्स अप्रेंटिस वालों को डायरेक्ट बैच वाइज लिया करते थे, उस टाइम केस हुआ था, फिर से रूल रेगुलेशन में चेंजेस हुआ था और फिर डायरेक्ट एग्जामिनेशन के थ्रू भर्ती कराने लगे थे। तो ये वो सारे लेटर यहां पर पड़े हुए हैं, यदि किसी को पूरी हिस्ट्री भी जानना है तो यहां पर आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन हम लोग डायरेक्टली एक लेटर की तरफ चलेंगे, जो कि हमारा लास्ट 2018 में इसको रिवाइज किया था, 30 अगस्त 2018 में, इसके बिहाफ पर थोड़ा सा चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां से हम लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो यहां पे PDF डाउनलोड हो चुका है, हम लोग इस लेटर को थोड़ा सा देख लेते हैं, जिससे कि चीजें और अच्छी तरीके से आपकी क्लियर हो सके और मैं कुछ चीजों को थोड़ा सा आपको क्लियर कर सकूं। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग लेटर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, जो कि न्यू यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। इसका सब्जेक्ट नोटिफिकेशन ऑफ रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पोस्ट इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, एंड यहाँ पर आप लोगों को वो सारी डिटेल्स दी गई है। नीचे हम लोगों को सारा कुछ इन्होंने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है भारत का राजपत्र, एंड यहाँ पर आप लोग देखोगे नई दिल्ली 4 नवंबर 10 नवंबर तक 2018 को ये पब्लिश हुआ था, एंड यहाँ पर आप लोग देखोगे राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री समूह सी और डी, यहां पर हम लोग किन पोस्ट की बात करें, समूह ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंतर्गत कौन सी आ जाती हैं, जैसे कि ग्रुप सी में हमारे सारे ITI स्टूडेंट्स आ जाते हैं और ग्रुप डी में जो लेबर की भर्ती बेसिकली निकाली जाती है 10th 12th लेवल पर, वो ग्रुप डी के अंतर्गत डाल देते हैं, तो वो जो है इसके अंतर्गत आती है, उसके बारे में सारा कुछ बात होगा। अब यहां पर इन्होंने बोला है कि संक्षिप्त
नाम इसको दिया, इस नियम का संक्षिप्त नाम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री समूह सी, यानी कि समूह गा और समूह घा, औद्योगिक पद भर्ती संशोधन नियम 2018 इसको रखा गया। अब इसमें बेसिकली क्या चीजों को इन्होंने क्लियर किया उसको थोड़ा सा हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, जिससे कि चीजें और बेहतर निखर के आपके सामने आ सकेंगे। यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, हम लोग डायरेक्टली थोड़ा सा इंग्लिश में चलते हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे, यहां पर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इन्होंने बोला पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स के बारे में सारा कुछ बताया है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग यहां पर समझ लेते हैं। देखिए यहां पर ग्रुप सी और ग्रुप डी के बारे में बात हो रही है, अब इनके सारा कुछ हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश में चलते हैं जिससे कि पोस्ट नेम आपका बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। सबसे पहले यहां पर आप लोगों को मिल जाता है ग्रुप सी और ग्रुप डी में जो पहला पोस्ट है मास्टर क्राफ्टमैन। मास्टर क्राफ्टमैन बेसिकली डायरेक्ट भर्ती नहीं होता है, जो मास्टर क्राफ्टमैन है MCM है वो बेसिकली बाय प्रमोशन, यानी कि जब आप लोग ट्रेडमैन में भर्ती हो गए विद प्रमोशन के साथ में धीरे धीरे बनते हैं। लेकिन यदि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आगे निकलता है तो इसका जो पे मैट्रिक्स इन्होंने दिया लेवल 6 का देंगे 35,400 से लेकर 112,400 इनका बेसिक रहेगा। चाहे वह किसी भी सिनेरियो में आपको भर्ती करें इस रूल को वो लोग फॉलो करेंगे और ये पे मैट्रिक्स आप लोगों को उनको देना पड़ेगा यदि आप लोग इस पोस्ट के लिए रिक्रूट होते हो। उसके अलावा लेवल 5 की बात करें, अब लेवल 5 के अंतर्गत कौन से आएंगे, हाईली स्किल्ड ग्रेड 1 वर्कमैन, जैसे सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और उसके बाद में ये आते हैं, तो ग्रेड 2, ग्रेड 1, तो यहां पे ग्रेड 1 की बात करें लेवल 5 का इनको मिलेगा 29,200 से लेकर 92,300। ये बेसिक पे की बात हो रही है, ये मत समझना कि यहां पे इतना सैलरी उनको मिलने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट यदि बात करें स्किल्ड ग्रेड 2, अब यहां पे क्या है सेमी स्किल्ड पोस्ट को बेसिकली रिमूव कर दिया है एक तरीके से, डायरेक्टली ट्रेडमैन में वो भर्ती करा रहे हैं, तो आप लोगों के चांसेस हैं कि यहां पर स्किल्ड ग्रेड 2 वर्कमैन आप लोगों को मिले, तो वहां पे आपका जो पे मैट्रिक्स रहेगा 25,500 से 81,100 लेवल 4 का मिलेगा। एंड लेवल 2 में आ जाता है, यहां पर आप लोगों को यदि पोस्ट देखोगे तो ये जो है आप लोगों का जो लेवल 2 है इसमें स्किल्ड वर्कर आ जाता है, तो स्किल्ड वर्कर में आपको 19,900 से 63,200 जो ITI स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली इस ग्रेड पे में अभी के सिनेरियो में जो चांसेस हैं वो इसमें आपको रिक्रूट किया जाएगा डायरेक्टली। तो जब आप लोगों का स्टार्टिंग पे स्किल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन इससे पहले सेमी स्किल्ड पोस्ट हुआ करती थी वहां पर सेमी स्किल्ड वर्कमैन के लिए जो आप लोगों का पे मैट्रिक्स था वह 18,000 से लेकर 56,900 बेसिक पे मैट्रिक्स था, पर ईयर 3% इंक्रीमेंट के साथ में वो रहता था। तो ये चीजें आपकी लेटर से क्लियर है। यहां पर यदि हम लोग इस लेटर को मैंने पूरी तरीके से देखा, यहां पर कॉन्ट्रैक्चुअल और रेगुलर बेसिस पर कोई भी बात नहीं हुई। अब यदि हम लोग करंट जो रिक्रूटमेंट है उसको देखें, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट से वैकेंसी निकाली गई, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी में उन्होंने पर्टिकुलर फिक्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला, उन्होंने बोला कि 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली है, ये एक्सटेंडेबल होगा, कितना एक्सटेंडेबल होगा फर्दर वो चीज भी उन्होंने रिक्रूटमेंट में क्लियर नहीं करी है। जैसे कि यदि हम लोग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें, डिफेंस में सेम सिनेरियो है, वहां पर 4 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं लेकिन उसके बाद भी वो निकाल नहीं है, और आप लोगों का पे मैट्रिक्स एज यूजुअल जो आप लोगों का रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग रहता है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में आप ट्रेनिंग पीरियड पर हो सैलरी कम मिलेगा या कुछ भी, तो ऐसा कोई भी सिनेरियो अभी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नहीं है। इवन यदि हम लोग इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय को देखें तो चांसेस इज वेरी मच हाई कि उनको रेगुलर बेसिस पर वो लोग भर्ती करें, क्योंकि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय एक अलग हो जाता है कि भैया उनको मशीन पर पूरी तरह से ऑपरेट करना सब चीजें जब आ गई हैं, तो उनको बाहर निकाल के नए एम्प्लॉय को वहां हायर करना, ट्रेनिंग देना, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है और मे बी इस तरफ वो लोग नहीं जाना चाहेंगे। इस हिसाब से हम लोगों को ये सारा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से, और जब हमारा जो ट्रेडमैन का वैकेंसी आएगा उस टाइम और बेहतर तरीके से ये चीजें हमारे सामने खुलकर आएंगी कि एक्चुअल में उनकी मंशा क्या है, वो लोग करना क्या चाहते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद में कुछ चीजें तो चेंजेस होंगी डेफिनेटली है, लेकिन ये आप लोगों के रूल रेगुलेशन एज यूजुअल रहेंगे। कई लोग बोल रहे थे सर सैलरी बहुत कम हो जाएगी, 10,000 रुपए में हमसे काम कराया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों का जो पे मैट्रिक्स है उस आधार पर ही आप लोगों को रिक्रूट किया जाएगा, देन वो चीजें जो है आगे बढ़ेंगी। यदि वो 2 ईयर का इनिशियली, जैसे देखो जब
अभी जो पिछले रिक्रूटमेंट हुआ करते थे, जैसे हम लोग यदि पहले के लेटर देखें तो पहले क्या क्या सुधार हुए थे उसको मैं देखूं, तो इससे पहले का जो लेटर आप लोगों को आया था वो एक्स अप्रेंटिस वालों के लिए आया था जिसमें 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए गए थे, तो एक वो लेटर इन्होंने पब्लिश किया था जो पिछले रिक्रूटमेंट आप लोगों का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रिक्रूटमेंट सेंटर के थ्रू वैकेंसी को निकाला गया था। तो यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस भी वैकेंसी आती है तो चांसेस इज वेरी मच हाई कि वो एक्सटेंडेबल करते रहेंगे। जैसे मैं क्या बता रहा था, इससे पहले जो रिक्रूटमेंट निकलता था वहाँ पर आप लोगों का 2 ईयर का प्रोविजन पीरियड रहता था, तो उस प्रोविजन पीरियड में हर जगह पर जब भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता है, चाहे आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आए या इवन अभी भी आप कोई भी रिक्रूटमेंट में सिलेक्ट होते हो, वहाँ पर वही चीज़ें, वही रूल रेगुलेशन हर जगह लिखा हम लोगों को मिलता है कि इनिशियली 2 ईयर के दौरान, प्रोविजन पीरियड के दौरान आपके हम लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, निकाल सकते हैं, या आपका लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये रूल रेगुलेशन डिपार्टमेंट अपने फेवर में रखने के लिए देते हैं, क्योंकि इन द केस यदि आप लोगों को वो निकालते हैं तो उसके ऊपर आप लोग कोर्ट केस ना कर सको कि इनने हमको परमानेंट रिक्रूटमेंट दिया था। तो ये एक फेवर अपना हमेशा डिपार्टमेंट संभाल के चलता है, तो जो भी कॉर्पोरेटाइजेशन के अंतर्गत जो भी हमारी PSU रिक्रूटमेंट हो उसमें ये चीज जनरली आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि टोटली बर्बाद हो गया है यदि कॉन्ट्रैक्ट वो लोग निकाल देंगे 4 ईयर के बाद, जैसे HAL में हो गया है, क्या निकाला नहीं निकाला, वो फर्दर एक्सटेंड कर देते हैं, चांसेस इज वेरी मच है, लेकिन फिर भी एक रिस्की सिनेरियो तो थोड़ा सा हो जाता है, जो सिक्योरिटी है हमारी कहीं ना कहीं उसके ऊपर हार्म तो होता है। तो यही चीज रहेगी जो बहुत सारे सवाल आ रहे थे। अब बात नहीं रिक्रूटमेंट हमारा कब आएगा, रिक्रूटमेंट देखो हम लोगों ने इससे पिछली वीडियोस जो देखी थी वहां पर RTI मैंने हर एक RTI आप लोगों को दिखाई थी, और हर RTI में, हर इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काफी सारी वैकेंसियां अभी वैकेंट पड़ी हुई हैं। वो डेटा हम लोगों को कहां से मिला, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने RTI का रिप्लाई दिया था, वहां से वो RTI सारी पिछली वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो लगभग 4000 से लेकर 5000 वैकेंसी वैकेंट है, और अपना कॉर्पोरेटाइजेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है, तो चांसेस इज वेरी मच हाई कि हम लोगों को काफी जल्दी वैकेंसी देखने को मिल जाना चाहिए। मैं भी फरवरी फर्स्ट वीक में, जैसा कि मैं स्टार्टिंग से बोला दिसंबर लास्ट वीक में वैकेंसी आ जाना चाहिए हमारा, तो दिसंबर निकल गया लेकिन वैकेंसी कोई भी ऑफिशियल न्यूज हमारी नहीं आई है, लेकिन फिर भी एक होप है कि जनवरी लास्ट वीक में या फरवरी फर्स्ट वीक तक हम लोगों को कुछ ना कुछ अपडेट मिल जाना चाहिए। जैसा कि छोटा मोटा वैकेंसी ABNL ने निकाला, तो अभी एक बड़ा वैकेंसी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय का निकलना चाहिए जो कि एक पेंडिंग में है। तो देखो कब तक हम लोगों को खुशखबरी मिलती है, जैसे ही खुशखबरी मिलेगी आपको चैनल के माध्यम से जुड़े रहना है, अपडेट आप लोगों को मिलती ही रहेगी। और जो भी ITI स्टूडेंट्स हैं वो डिटेल से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एप्लीकेशन पर सारी क्लासेस अवेलेबल है, इवन यूट्यूब पर काफी सारी फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज अवेलेबल है जिनके माध्यम से आप लोग बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। यदि आप ITI स्टूडेंट्स हैं और टेक्निकल एग्जाम लाइक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, रेलवे, DRDO, ISRO, NCL की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन की, इनकी मदद से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो।